सेंटर सेंटर अनुष्का सेंटर सेंटर ऑन सेंटर अरे रुकिए 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 अरे रुको जरा बैकग्राउंड क्लियर कीजिए सेंटर मैम राइट पर सेंटर सेंटर अनुष्का जी राइट में आपके सेंटर में हूं मैं एकदम सेंटर हां फाजी वो बात से कह रहा भाई जाने दे जाने दो जाने दो मैं आ जाओ सब जल्दी सब लोग आ जाओ ये सेंटर हेलो चेक यस थैंक यू ऑलराइट इस गाने में केमिस्ट्री आप लोग कि बहुत अमेजिंग लग रही है राइट है कि नहीं है तो यार थोड़ा साथ दो ना यार मैं सवाल पूछ रहा हूँ यू हैव टू लाइक राइट सो केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग लग रही है सो आप लोग ने इसे ऑफ स्क्रीन से ऑन स्क्रीन मतलब हाउ डिड यू ट्रांसफर दिस केमिस्ट्री सो यार होता ही है जब आपकी दोस्ती होती है किसी के साथ और देन यू गेट टू वर्क विद दैट पर्सन तो मुझे लगता है केमिस्ट्री आती है फिर काम में भी केमिस्ट्री आती है आई थिंक देयर इज अ कंफर्ट जोन मी एंड निकिता हैव क्रैक्ड वेयर वी कैन वर्क टुगेदर वेरी वेरी कंफर्टेबली हां बट आई नो व्हाट यू मीन टू से हां ऑलराइट निकिता हाउ अबाउट यू वेल आई टोटली एग्री विद हिम आई मीन आई हैव दिस सर्टेन कंफर्ट लेवल ऑफ वर्किंग विद जुबिन आल्सो ही इज वेरी इजी टू वर्क विद सो या आई थिंक प्रोबब्ली दैट हैज इजीली बीन ट्रांसलेटेड ऑन स्क्रीन That's amazing. Well, this is, I believe, your first ever single with T-Series. Yes, yes. So how was it working with the whole team and of course Jubin? How was the whole experience? Absolutely lovely. I think when we talk about music videos, they are by far the best ones here in the industry. So it is an honor, a privilege to be here working with them. And their team is a delight to work with. I have had one of the best times shooting with everybody, even behind the camera. So can just say thank you for being so supportive and making sure I had a great time. क्या बात है और एंड मूविंग ऑन जुबिन बहुत पहले बैक इन योर डेज आपने निकिता के यू नो अमेजिंग चीज़ के लिए आपने गाना गाया था और एक दूसरे के वास्ते इट वॉज दिस थिंग विच यू नो सो हाउ इज दैट एंड हाउ इज इट नाउ द वाइब विथ हर बिकॉज यू सैंग इट फॉर हर देन अभी कैसा है सवाल कोई भी पूछो यहीं से पकड़ के यहाँ से पकड़ के वहीं आता है बार बार तो देखिए व्हेन आई सैंग फॉर हर फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग उस वक्त हमारी मुलाकात हुई थी हमें नहीं पता था कि वील डू सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग टुगेदर इवेंचुअली एंड आई डिडंट नो दैट शी इज गोना बी माय फर्स्ट ऑन स्क्रीन वाइफ यू नो व्हाट आई मीन सो आई मीन दिस वाज जस्ट आई थिंक इट वाज रिटन लाइक दिस वी मेट देन एंड इवेंचुअली हम लोग की दोस्ती जो है बड़ी 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 फिर हमने गाना साथ में करा इसलिए केमिस्ट्री अच्छी आ रही है एंड मस्ट एग्री टू दैट वेल बातें बहुत हो गई अभी जुबिन स्टेज पे हैं आई थिंक इट्स टाइम फॉर हिम टू सिंग अ फ्यू लाइंस ऑफ मस्त नजरों से लेडीज एंड जेंटलमैन गिव इट अप फॉर जुबिन नौटियाल हियर वी गो
बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना, बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना। यार एक सेकंड सर, थोड़ा सा रिवर्ब काट दूँ, लेट आ रही है। कैन आई कॉल द म्यूजिक टीम ऑन विद मी प्लीज सर? प्लीज आप लोग साथ रहेंगे स्टेज पे तो मुझे हिम्मत ज्यादा आएगी गाना गाने के लिए। मनोज मुंतशीर जी एंड रोचक कोहली इन द हाउस, गिव इट अप। देखिए इंस्ट्रूमेंट है नहीं हमारे पास। मनोज सर आप गाएंगे? जी जी नहीं ना, भूषण जी बैठे हुए हैं वहां, इसके बाद मैं टी सीरीज के बाहर नजर आऊंगा। शुरू कर दें। बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना, बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना। जुल्फ से जब पानी झटका तूने झुमके, हाय ऐसी खूबसूरत भूल बैठे हम जराफत। लौट आई पागल आंखें तुझको चूमके, इश्क था या जहर चढ़ गया था, इश्क था या जहर चढ़ गया था। होश में आज तक आ ना पाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। आशिकी कातिलों की गली है, आशिकी कातिलों की गली है, जीते जी कोई वापस ना आए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। थैंक यू। Give it up, ladies and gentlemen. All right, this song has been arranged by Aditya Dev ji. Wo wahan par baithe hain. Give it up for him. It's a lovely, lovely song. Thank you so much. Please, please, please come on stage. All right, it's time for me to invite the main man here, the MD and the chairman of T-Series, Mr. Bhushan Kumar. May I please have you on stage? Taliya. सर, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड आप हमेशा बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने लेके आते हैं, ऑडियंस बहुत प्यार करती है। यू नो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि ये गाने का कॉन्सेप्ट और ये जहन में कैसे आया? सी, ये हमारा थर्ड इन अ रो इस मूड का गाना है। फर्स्ट वी डिड लुट गए, दैट वॉज ऑल्सो विद जुबिन, एंड देन वी डिड दिल गलती कर बैठा है, दैट ऑल्सो वॉज विद हिम। And now this one, Mast Nazaron Se, and I think Manoj ji was only means and Zubin, they both were common in this song. So ye jo melody hai, means it is our Indian melody, and this type of songs never fail, means and ye hum bachpan se is type ke melody sunte aa rahe hain. To hamara T series mein yahi rehta hai ki means jo cheez public sunna chahti hai, we try and make that. To meri kafi Manoj ji se बैक एंड फोर्थ होता है लिरिक्स को लेके, एंड इवेंचुअली देन वे हम हार्ड वर्क करके ये चीज़ अचीव कर पाते हैं। सो मींस इट्स ऑल टीम वर्क, एंड इट्स नॉट ओनली माय जॉब और थिंक, यस द सीड कम फ्रॉम अस, क्योंकि वी आर सिटिंग इन द मार्केट एंड वी कम टू नो व्हाट पीपल वांट्स टू लिसन मोर। सो उसके हिसाब से फिर पूरी टीम साथ में होती है, एंड देन बैक एंड फोर्थ करके चीज़ें बनती है। उसके लिए आपको मनोज जी ज़्यादा बताएंगे कि मैं कितना इनके साथ हमारा झगड़ा होता है, मतलब लिविंग फॉर द गुड वर्क। और हमेशा जब झगड़ा होता है तो पहली बार जब फीडबैक आता है तो मुझे लगता है यार मैंने इतना अच्छा लिखा था, भूषण जी को पसंद ही नहीं आया, तो 15 मिनट में अपसेट रहता हूँ और फिर लिखना शुरू करता हूँ जो भूषण जी ने पॉइंटर्स बताए होते हैं। बाय द टाइम वी रीच थर्ड और फोर्थ ड्राफ्ट, और ये भी बता दूँ मैं कि मैं भूषण कुमार के अलावा किसी के लिए दूसरा ड्राफ्ट नहीं लिखता। तो तीसरा चौथा ड्राफ्ट आते आते मुझे भी लगता है कि जो भूषण जी ने पहला रिजेक्ट किया था वो रिजेक्ट होने लायक था, चौथा वाला सही है, यही बनना चाहिए था। एक चीज़ भूषण जी ने बताई नहीं, मैं ज़रूर बताऊंगा कि एज ए कंपनी टी सीरीज हमेशा जो देश के हालात हैं उन पे हम एक बहुत कीन नज़र रखते हैं।
मुझे याद है इस गाने को बनाने के पहले मेरी जब मुलाकात हुई थी, रोचक भी थे, मैं भूषण जी, रोचक भूषण जी ने एक बात कही थी कि बहुत दुख दर्द से गुजरा है देश अभी पैंडमिक के दौरान। हम अगर थोड़ी स्माइल्स दे पाएँ, थोड़ी मुस्कराहटें दे पाएँ, थोड़ी खुशियाँ दे पाएँ म्यूज़िक के माध्यम से, तो ये मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बाकी सब कुछ, ये पहली मोहब्बत का गाना है, पहली नज़र के प्यार का गाना है, मोहब्बत के सेलिब्रेशन का गाना है, लेकिन ये टी सीरीज़ का एक गिफ्ट भी है इस देश को कि देखो हंसने के, मुस्कराने के, खुश रहने के मौसम वापस आ गए हैं। खुश रहो सब लोग। Give it up, ladies and gentlemen. क्या बात है सर। एक और आखिरी सवाल है आपसे, ये जानना चाहता हूँ, ये जो ट्रायो खड़े हैं ना यहाँ पे, जुबीन, मनोज एंड रोचक, इनको आप हमेशा यू नो यू यूज़ देम इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे, सो यू नो आप इनको क्यों मतलब हमेशा चूज़ करते हैं? अरे नहीं, ये फैमिली है, एक फैमिली है। मैंने आपको जैसे बताया, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं, एंड हम तो फैमिली मानते हैं। आई थिंक रोचक भी मानता होगा टी सीरीज को, सो वी ऑलवेज से कि इट्स अ टी सीरीज फैमिली। एंड अभी भी जब ये गाना रिलीज हुआ है, एंड ही इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन 3, 4, 5 आई डोंट नो मैनी मैनी सॉन्ग्स विच वी आर डूइंग, सो इट्स ऑलवेज मीन्स ये हमारा कम्फर्ट लेवल है, दे अंडरस्टैंड मी। नहीं तो नॉर्मली म्यूजिक कंपोजर्स और लिरिसिस्ट अपनी बात पर अटक जाते हैं कि नहीं हमें यही करना है, लेकिन आई नो मीन्स दे ये कभी नहीं अटकते, बिकॉज दे अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। मैं कुछ अपनी ईगो के लिए नहीं बोलता, नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ तो वो सही है, मैं जेन्युइनली जो चीज़ पब्लिक को ठीक लगेगी उस हिसाब से एडवाइस देता हूँ, एंड दे टेक दैट एडवाइस। सो वो जैसे अभी ये अभी हम बात कर रहे थे, बीच में एक पार्ट था जो जहाँ पे शी इज़ डांसिंग, दैट वॉज नॉट देयर बिफोर, बिफोर वी वर मेकिंग अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग। फिर मैंने इनको बोला यार एक पार्ट वहाँ पे डालो जो वहाँ पे द फीमेल फीमेल कैन, हाँ वहाँ पे सरगम डालो, वहाँ पे परफॉर्मेंस आ सके। या गिव इट अप लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑलराइट, शादी हमेशा यार ब्राइड और ग्रूम के अलावा ब्राइड के जो बेस्ट मैन होते हैं और ब्राइड्स मेड होती है, वो लोग इस शादी को कंप्लीट करते हैं। मे आई प्लीज आस्क बोथ ऑफ यू टू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स हिमांश कोहली एंड अनुष्का सेन। गिव इट अप लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार ताली हो जाए। आपके लिए सवाल है यार, आप बेस्ट मैन, ब्राइड्स मेट, कमिंग टुगेदर, आप एक्सपीरियंस कैसा है? सो द एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। ये जो गाना है ये इतना ब्यूटिफुल गाना है कि जब हम शूट कर रहे थे ये लग ही नहीं रहा था शूट है, क्योंकि जो होली सीक्वेंस था एंड जो डांस परफॉर्मेंस था, सारे पार्ट्स इतने ब्यूटिफुली हमने शूट किए कि इट एक्चुअली फेल्ट लाइक वी वर अटेंडिंग अ वेडिंग जेन्युइनली। एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जुबिन सर, एंड ऑल्सो आई हैव टू से दैट इट्स माई सेकेंड टाइम आई एम डूइंग अ सॉन्ग विद टी सीरीज, एंड इट्स लवली टू मीट यू सर। आई हैव टू से दैट just being a part of a song which is so beautiful, I'm just very happy that jaise unhone kaha ki ye gana is just for people to smile and spread smiles, so I'm very happy that I'm a part of it, and we had a great time together shooting and it was just amazing. Ashish sir is a very very good director sir, he has given inputs which has made the song look so great, so it's the teamwork. Hats off to the team of TC, is the entire team, the dancers, the choreographers, everybody. ऑलमोस्ट सभी कवर हो गया, लेकिन आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड, जब ये गाना शुरू हुआ तो इट स्टार्टेड विद अ प्रैंक। राज चाना हिट कॉल्ड मी, उन्होंने मुझसे बोला कि जुबिन की शादी हो रही है, सो मैं भी ऐसी शॉक्ड हो गया, एंड देन ही टोल्ड मी कि भाई हम तो घर वाले लड़के वाले तो हमें तो पूरी तरह से इसमें रंग डालना है। सो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, और धीरे धीरे वो माहौल और क्रिएट होते गया, शिवम सोनल सब उसमें मिलते गए, एंड देन फाइनली आई वाज टोल्ड दैट दिस इज गोइंग टू बी अ सॉन्ग। इसके बीच में मैंने उन्हें कॉल भी कर दिया था ये पूछने के लिए कि हो रही है नहीं हो रही है, कपड़े सिलवाने हैं नहीं सिलवाने, जल्दी बताओ। अभी भी क्वेश्चन है हो रही है नहीं हो रही है सर, मैं इसीलिए प्रमोशन स्टंट है, इसीलिए मैं पूरे स्टेज पे सबके सामने, अभी भी छुपा रहा था ये दोनों छुपा।